देश की इकोनॉमी की चाल काफी हद तक फेस्टिव सीजन में लोगों के खर्च से तय होगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें देखते हुए कंपनियां फेस्टिव सीजन में बड़ी बिक्री की तैयारी कर रही हैं। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस बार टू व्हीलर कंपनियों को बड़ी बिक्री की उम्मीद है। इनकी योजना है कि सितंबर में 16.5 लाख दोपहिया का उत्पादन किया जाए, अक्टूबर में दोपहिया वाहनों का उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाए, नवंबर में भी 16 लाख टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन किया जाए। कुल मिलाकर इन 3 महीनों में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स 8 से 25% तक का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अगस्त में दोपहिया की बिक्री में 20 महीनों में पहली बार बढ़त दर्ज की गई। इससे उत्साहित टू व्हीलर कंपनियां आने वाले महीनों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। साथ ही 2019 के लो बेस इफेक्ट के चलते इस बार सितंबर से नवंबर तक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के दोहरे अंकों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। अब अगर इस तरह की बिक्री से उछाल का अनुमान है तो फिर नौकरियों की रफ्तार भी बढ़ने का भरपूर भरोसा है। मैनपावर एम्प्लॉयमेंट सर्वे के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 7% कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने की योजना बना रही हैं। 54% की योजना जस की तस है और वो सामान्य भर्ती करेंगी। 3% छटनी की तैयारी में लगी हैं, तो 36% ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। जिन सेक्टर्स में नौकरियों की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है उनमें शामिल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटी। इन कंपनियों का मानना है कि हालात में सुधार होने, डिमांड बढ़ने से अब उन्हें भर्तियां बढ़ाने की जरूरत है। हमारी जैसी कंपनियां जो इनोवेशन पर ध्यान देती हैं और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करती हैं या कस्टमर्स के लॉन्ग टर्म की प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनके अंदर हमारे को हायरिंग की जरूरत पड़ रही है। वी आर रीस्किलिंग मोर ऑफ पीपल, वी आर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक वी जस्ट डेड वीडियो मीट विच इज़ एक्चुअली बिकमिंग वेरी हैंडी फॉर अस, नॉट ओनली जस्ट फॉर अस, बहुत सारी कंपनीज के लिए काम आ रहा है जिसके थ्रू हम इंटरव्यूज भी ले पा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर दोनों टीयर वन और टीयर टू सिटीज में पिछले 2 महीने से काफी हाई लेवल्स ऑफ कस्टमर फुटफॉल देख रहा है, जो कि हम मानते हैं कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में अच्छी सेल्स नंबर्स में भी कन्वर्ट होगा, जिससे इस सेक्टर के हर डिपार्टमेंट में हायरिंग एक्टिविटीज को बूस्ट मिलेगा। जिन सेक्टर्स में हायरिंग गतिविधियां सुस्त रहेंगी उनमें शुमार है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, थोक और रिटेल व्यापार। इस सर्वे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कब तक हायरिंग गतिविधियां वापस कोरोना से पहले के स्तर पर आ जाएंगी। सर्वे में शुमार कंपनियों में से 17% को अक्टूबर तक नौकरियों की रफ्तार वापस सामान्य होने का भरोसा है। 27% का मानना है कि अप्रैल 2021 तक भर्तियों की रफ्तार प्री कोविड स्तर पर आ जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी नोमूरा के बिजनेस इंडेक्स NIBRI में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आई है। सितंबर के पहले हफ्ते में NIBRI 77.4 रहा, जो कि अगस्त में 75.7 था। बेरोजगारी 8.1% से घटकर 7.3% पर रह गई है। पहले के मुकाबले ज्यादा ग्राहक खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि नोमूरा ने सुधरते हालात के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई है। नोमूरा के मुताबिक हालात के सुधरने की दशा काफी हद तक कोरोना के मामलों से तय होगी।